भारतीय सेना की 12 जैक राइफल द्वारा जनरल जोरावर सिंह की 236वीं जयंती समारोह के अवसर पर प्रदेश के युवाओं को सेना के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से साइकिल रैली निकाली गई। यह रैली रविवार रात को मार्कंडेय मंदिर पहुंची, जहां पर स्थानीय लोगों ने सेना के जवानों का भव्य स्वागत किया। सोमवार को ऋषि मार्कंडेय पूर्व सैनिक परिवहन एवं कल्याण सभा जुखाला ने मार्कंडेय पहुंचकर इन सैनिकों के साथ मुलाकात कर जहां इनका स्वागत किया, वहीं अपनी सेना की पुरानी यादें ताज़ा की। पूर्व सैनिक परिवहन एवं कल्याण सभा जुखाला के अध्यक्ष कैप्टन सुरेंद्र राणा ने बताया कि भारतीय सेना की 12 जैक राइफल द्वारा ये साइकिल रैली निकाली गई है, जो 9 मार्च को योल कैंट से शुरू हुई थी और 13 अप्रैल को चंडी मंदिर में इसका समापन होगा। 12 जैक राइफल की साइकिल रैली जम्मू से ये लोग चले हैं और पूरे हिमाचल का इनका दौरा है। ये कल बिलासपुर में थे और आज यहाँ ऋषि मार्कंडेय जो हमारा मंदिर है यहाँ पे रुके हुए हैं। यहाँ पर हमारी संस्था पूर्व सैनिक परिवहन एवं कल्याण समिति, हम सब लोगों ने यहाँ पे इनका स्वागत किया है और वार्ता की है, क्योंकि ये सब लोग हमारे इलाके से बिलोंग करते हैं और हमारे जैसे हम लोगों ने फौज में नौकरियां की हैं, हमारे टाइम और इनके टाइम में काफ़ी अंतर है। आज की फौज काफ़ी पढ़ी लिखी है और काफ़ी सुविधाएं हैं, हमारे टाइम इतनी सुविधाएं नहीं थी। और हमारी आर्मी इस टाइम पूरी दुनिया में नंबर एक है, क्योंकि आज की जो ट्रेनिंग है वो बहुत अच्छी ट्रेनिंग है और नए जो बच्चे हैं सब आज के जो दौर है इसमें बिल्कुल एक्टिव है। और हमारी यूनियन इनका तय दिल से यहाँ पे स्वागत करती है, धन्यवाद करती है, ताकि आने वाले टाइम में कभी भी कोई भी रैली यहाँ आती है, कोई भी जो सेवा रित सैनिक है वो यहाँ पे आते हैं, हमारी संस्था हमेशा उनका अभिनंदन करती है, स्वागत करती है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए जुखाला से अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट। सुनो ना, गाड़ी धीरे चलाओ। तुम यूं ही टेंशन लेती रहती हो, खुला हाईवे है, यहाँ सब तेज चलाते हैं। इतनी तेज? ओफो, तुम सुनती क्यों नहीं? वर्तमान वर्ष में अभी तक के आंकड़ों के अनुसार 1501 सड़क दुर्घटनाओं में से 702 दुर्घटनाएं ओवर स्पीडिंग की वजह से हुए और सभी दुर्घटनाओं से 706 लोगों की जान भी गई। इन सड़क हादसों को आसानी से अवॉइड किया जा सकता है। ओवर स्पीडिंग, रैश ड्राइविंग ना करें, अपने और दूसरों की जान जोखिम में ना डालें। रोड सेफ्टी सेल हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।